नगर पालिका परिषद परिसर में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने को लगातार समर्थन मिल रहा है। 11 सभा सदों द्वारा किया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को अभी तक 5 से 6 संस्थाओं का समर्थन मिलने के साथ ही समाज सेवी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सभा सदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का दावा कर रहे हैं। सभा सदों का आरोप है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोग धरना प्रदर्शन को किसी न किसी तरह खत्म कराना चाहते हैं और वो लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं। इसी क्रम में IGRS पर शिकायत भी की गई है। सभा सदों के शिकायत संज्ञान में आने के बाद सभासद भी अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए ASP से मिले और सुरक्षा कर्मियों की मांग की। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगने के बाद लगातार नगरपालिका के खिलाफ आरोपों की लड़ी बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि CCTV कैमरे की निगरानी में चल रहा धरना प्रदर्शन कहां तक सफल हो पाता है। क्या सभासदों को इस धरने से लाभ मिलता है? क्या उनके द्वारा उठाई गई भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आवाज अधिकारियों के कानों तक पहुंच पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हुकूमत एक्सप्रेस ने आज धरने पर बैठे हुए सभासदों का दर्द जाना और उनसे बातचीत की। देखे हुकूमत एक्सप्रेस पर सभासदों का ये बयान। आज धरने को 14 दिन है और 4 दिन से ये लगातार हम कंटिन्यू रात दिन यहाँ पर मच्छरों में बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से 6-7 हमें जो संघर्ष समितियाँ हैं उनका हमें समर्थन मिला है और आज क्योंकि इतवार का दिन है तो आज तो कोई आया नहीं समर्थन देने के लिए। तो यह है कि लगभग नगर पालिका में 37 सभासद हैं, ज़्यादा ही सभासदों को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए ये तो ऐसा है, मैं आप शुरू से आप लेके चलूँगा कि जिसे परेशानी होती है वो ही आगे बढ़ता है। हम 11 लोग और अब से जुड़ रहे हैं हमसे और उस लोगों से जो नगर पालिका का चंचल बाबू है वो धमकाता है। उसने कह रखा है कि मैं किसी पुराने सभासद को आने वाले इलेक्शन में जीतने नहीं दूंगा। उसकी क्या औकात है वो जीतने नहीं देगा? तो जितने पुराने सब सभासद हैं उनके ऊपर दबाव है क्या? हाँ, कुछ लोग दबाव में हैं, कुछ प्रेशर में, कुछ डरते हैं उनसे। क्यों डरते हैं? देखिए सबसे पहली बात, एक जो हमारे ठेकेदार अभिलाष शुक्ला जी थे, उनका अपनी बीवी को आगे कर देता है वो हर चीज़ में। आज हम लोग 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। इसमें आज हमें दरोगा जी हमारे पास आए, उन्होंने हमें सूचना दी कि आपके खिलाफ एक RTGS फाइल किया गया है, IGRS फाइल किया गया है। तो हमने कहा दिखाइए क्या है, किस क्या मैटर है। तो पता चला कि लिपिक जो चंचल बाबू है उसकी पत्नी ने हम पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि फला फला मेंबर और ये धरने पर बैठे हैं वो मेरे पति का उत्पीड़न कर रहे हैं और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हमें पहले से ही अंदेजा था कि ये चंचल हैं और अधिशासी अधिकारी हैं, हमारे ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं। इसके विरुद्ध मैं बताता हूँ आपको, मैंने आज एडिशनल SP के पास हम लोग गए, उनको एक प्रार्थना पत्र दिया कि ऐसे ऐसे सर हमारे पास ये है और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि हमारा धरना प्रदर्शन सही से चलता रहे। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन देखिए, उन्होंने कहा कि होली का पर्व नज़दीक है, शबरात का भी पर्व नज़दीक है, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन आप रुक जाओ, आप चलते जैसे धरना चला रहे हो बढ़िया चला रहे हो, कोई बात नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें ये डर है क्योंकि नगरपालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं वो हमें किसी भी एलिगेशन, हमें कोई ना कोई, हमें सुनने में आया कि किसी औरत को बुला के इन पे 76 लगवा दो, इन पे झूठी धाराओं में मुकदमे दायर करा दो। ये चीज़ तो आपने पहले से ही CCTV, हमने पूरे CCTV, यही वजह है कि हमने अपनी जो ये अपने धरना स्थल है इसमें चारों तरफ CCTV कैमरे लगा रखे ताकि कोई भी आपराधिक तत्व का आदमी यहाँ ना आ सके। पूरा मामला यह है कि प्रार्थना पत्र तो नहीं देना पड़ता, हमने सूचनार्थ कर दिया था उनको, SSP साहब को, DM साहब को, ADM साहब को, यो साहब को, सबको सूचनार्थ हैं, मुख्यमंत्री जी को और
शासन स्तर पे भी हमने की, कमिश्नर साहब को भी की है, सबको अवगत करा दिया कि 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर उस बाबू को सस्पेंड नहीं किया, दोषी बाबू को, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक। वो हमने किया, उन्होंने नहीं किया, उसे सस्पेंड नहीं किया बाबू को, उसकी उसकी तरफदारी कर रहे हैं फुल। पहली बात तो हमारे नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं, वो ग्रुप बंदी और पार्टी बंदी का काम कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। वो आपकी अपने पद की गरिमा भूल चुके हैं और वो राजनीति कर रहे हैं एक बाबू को बचाने के लिए। बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और हम अगर हमारे ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा है, CCTV कैमरों से लेस है, कोई ऐसी बात नहीं है। आज चंचल कुमार की पत्नी ने हमारे खिलाफ़ शिकायत दर्ज की है, IGRS पे एक शिकायत आई है कि SC Act की और मानसिक उत्पीड़न की, जबकि उसके कोई उसके बयानबाजी नहीं हो रही, उसके खिलाफ कोई बात नहीं बोल रहा है। लेकिन ये हमें अंदेशा पहले से था कि वो SC Act हम पे लगा, क्योंकि वो कहता है, कल इनमें मीटिंग हुई है यो साहब में, और उनमें कुछ एक दो ठेकेदार भी हैं जो उसके पार्टनर है, जिनके वो पार्टनरी में काम करता है, वो ठेकेदार भी हैं 2-3 उसमें, उनके सामने बैठ के बात हुई, तो उसने पत्नी के नाम से हमारे खिलाफ़ FIR दर्ज करने की मांग की है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। और उनका एक मिशन है कि इन पे 76 लगाओ, कुछ भी लगाओ, धरना प्रदर्शन ख़त्म करो, जबकि अभी तक 4 दिन के अंदर यो साहब को या हमारे प्रशासक महोदय जी को, ADM साहब को हमसे वार्ता तो करनी चाहिए थी, मिलना तो चाहिए था, हमारा मेमोरेंडम तो लेना चाहिए था उन्हें कि हमारी परेशानी क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं। फिर दोनों ही लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा, जबकि उन्हें तो पहले ही अवगत करा दिया था। और कम से कम धरना तो अनिश्चित काल का धरना साहब, ये तो चलता रहेगा, और कोर्ट की प्रक्रिया भी जो है वो उसे हम पूरी करेंगे होली के बाद में। होली और शिवरात का पर्व है, ये दोनों एक ही दिन की पड़ा है। आपके धरने का कोई प्रभाव पालिका पर पड़ा है? अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा साहब, जैसे हालात लग रहा है, डिक्टेटरी कर रहा है, जो साहब धमकियां दे रहा है कि इनके खिलाफ FIR कराओ। और आज हमें क्या नाम है, कोतवाली से भी मैसेज यही मिला है, जो इन्होंने कहा दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन कोतवाल साहब एक सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने वही बात हमसे रखी, हमने उन्हें अपनी परेशानी और कागज दिखाए। उन्होंने बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि 5 साल से आप कहाँ हैं, आखिर में ही क्यों 5 साल से मेरी चल रही है, उसी पे तो दोषी करार हुआ। वो 5 साल से मेरी शिकायतें हैं, मेरी पत्नी ने शिकायतें की, मैंने शिकायतें की, उस पर जब जाँचें बैठी हैं तो जाँचों में दोषी पाया गया, सब जाँचों में। वो जब सब जांचों में दोषी है तो यो साहब ने लिख के भी दिया है कि किसी महत्वपूर्ण पद पर रहने का उसका कोई अधिकार नहीं है, कोई उसे नहीं रख सकता, फिर ऐसा क्यों कर रहा है यो साहब? अगर यो साहब ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तो लिख के दे दें, उस पर कोई जुल्म नहीं है साहब, ये मुलजिम है ही नहीं, वो ये लिख के दे दें यो साहब, हम धरना ख़त्म कर देंगे अपना। और अगर है उनका यो साहब के साइन है और लिखा हुआ है, वो दोषी है, तो उसे सस्पेंड करें वो, और अन्यथा वो कार्रवाई नहीं करते हैं उस पर, तो यो साहब पूरी साठगांठ के साथ, और यो साहब का ही वो क्या कर कम जो काम कर रहे हैं यो साहब कर रहा है। चंचल एक मोहरा है उनके लिए, सब भ्रष्टाचार और कमीशन जो क्या नाम है अवैध तरीके से ली जा रही है, बिल्कुल पेमेंट के नाम पे एक्स्ट्रा 5% लेते हैं यो साहब और वो चंचल कुमार। और यो हमारे ADM साहब को भी बदनाम करते हैं कि वो भी इतनी कमीशन लेते हैं, इतना देते हैं हम, मतलब ये मैं अकेला नहीं कह रहा, इतने लोग भी बैठे हैं, अकाउंटेंट साहब मौजूद हैं, और भी बहुत लोग मौजूद हैं जिनके सामने ये बातें हुई हैं। लेकिन वो एक वो भी अधिकारी पालिका के बाबू हैं, वो एकदम नहीं कह सकते किसी अधिकारी के लिए सामने कैसे से बात है, लेकिन हर चीज में यो साहब और चंचल कुमार साझी हैं। आगे की प्रक्रिया ये है कि अगर इस धरना प्रदर्शन से हमारा समाधान नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और हम हाईकोर्ट पहुंचने की तैयारी में, हमने सारे अधिकारियों को बता दिया हम सरकार बनाम पार्टी बनाएंगे। अब वो कमिश्नर साहब हों या DM साहब हों हमारे, हम हाईकोर्ट पहुंचने की तैयारी, होली की छुट्टियों की वजह से हम नहीं गए, होली का एक बड़ा त्यौहार है और फिर हमारा शब रात का भी वो है, तो इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे अभी जिससे हमें ये किसी को परेशानी आए, इसलिए हम ये रोके पड़े। अब हमारा जो मामला है हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है हम, अब अगर हमारा शासन साथ नहीं देता है और हमारी नहीं सुनता है तो हमें मजबूरन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। हमारे के ये प्रमाण गलत है, लिख के दे दें, हम अपना धरना अभी ख़त्म कर देंगे, और हर चीज़ में साझी हैं चंचल के। उन्होंने एक नाक का सवाल मान लिया, राजनीति कर रहा है वो संभल में, अधिशासी अधिकारी की पद की गरिमा को भूल चुके हैं वो तो राजनीति कर रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है जैसे चुनाव लड़ेंगे जो साहब। सभासद मोहम्मद रिहान, वार्ड नंबर 13 मोहल्ला नवादा सरायतरीन। हम धरने पर बैठे हैं, 2 तारीख से बैठे हैं, आज हमें 4th दिन है धरने पर बैठे हुए।
लेकिन हम शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे हैं। हम इसलिए धरने पर बैठे हैं, ये लिपिक चंचल कुमार बाबू जो हैं, इन्होंने नगर पालिका के अंदर काफ़ी घोटाले करे हैं, इनके घोटाले सामने आ चुके हैं, ये इसमें दोषी हैं। और नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी रामपाल यादव जो हैं, वो इनका पूरा साथ दे रहे हैं चंचल कुमार बाबू का। कोई डिमांड पूरी नहीं हुई, हमारी डिमांड सिर्फ यही है चंचल कुमार को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन जो रामपाल यादव जी जो हैं, वो चंचल कुमार बाबू का पूरा साथ दे रहा है, पूरी तरीके से साथ दे रहा है। ठेकेदारी में दोनों पार्टनरी में साझी में काम कराते हैं। चार दिन से नगर पालिका परिषद में यहाँ बैठे हैं धरने पर, कोई सुनवाई नहीं है, किसी को कोई होश नहीं है। नगर पालिका के अंदर रामपाल यादव ईओ जो हैं, वो डबल पेमेंट निकालना है कि काम का 14 लाख का नगर फव्वारा और नगर पालिका उसका जो है 2021 में हुआ, 14 में फिर 14 लाख का फिर हो रहा है ये। तो भैया 2,54,789 रुपए का गबन का आरोप है जिस आदमी के ऊपर, जो गड़बड़ी का वो है, उसके खिलाफ जांच में क्या तकलीफ है? आप जांच कराओ भाई, लोगों की मांगे जो जायज मांगे, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ईओ है, वो तानाशाह बने हुए, किसी की सुनी ना रहे। सभासद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ दे रहा है, आप इनके समर्थन में बैठिए, हम इनके साथ हम जो की मांग को आगे बढ़ाइए। भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा हम उसके साथ हैं, उसके जो है वो करेगा उसका विरोध। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो लड़ना है, ये खुला कागज दिख रहा है। 700 कर्मचारी हैं सफाई, 2,02,00,000 रुपए का 1 साल का ठेका दे दिया साहब, डोर टू डोर में। गाड़ी नगर पालिका की, डीजल नगर पालिका का, लाउड स्पीकर नगर पालिका का। 300 कर्मचारी काम पे लगे हैं, 300 का पैसा क्यों दिया जा रहा है फालतू? हम यही तो कह रहे हैं, उस पर जो उगाही हो रही है 7,500,000 रुपए की उगाही हो रही है, 1,10,000 रुपए तुम सरकारी खजाने में जमा कर रहा हो, कहाँ जा रही है पैसा? ये जनता का पैसा है, इस पर जो है जांच करा लो। आपने इसके खिलाफ कहीं कुछ मामला उठाया? मामला उठाया है, चल रही है जांच, चल रही है, शिकायत भी की है मैंने, जो है लखनऊ भेजी, आशीष पटेल जी के पास, कमिश्नर साहब के पास भेजी थी। कमिश्नर साहब ने जो है डीएम साहब को दी थी जाँच, डीएम साहब जो है उन्होंने ईओ साहब को दे दी, जिसके खिलाफ जांच